पीटीआई के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात, पुलिस का बानी पीटीआई को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी पीटीआई को इंतजार पर उकसाने पर मुकदमात में मुलजिम नामजद किया गया। बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम अडियाला जेल जाएगी। पीटीआई के जिला सदर आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। इसी पर बात करेंगे, नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, पुलिस जराये का कहना है कि जो मुकदमात दर्ज किए गए थे पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, बानी पीटीआई और दीगर जो रहनुमा थे पीटीआई के उनके हवाले से, तो उसमें जो है वो बानी पीटीआई को सामने तफ्तीश किया जाएगा और उनसे जितने भी उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस दौरान उनको यकजा करके पुलिस जो है वो एक फाइल बनाएगी और फाइल बना के फिर उसके बाद अडियाला जेल में एक टीम जो है वो उनसे तफ्तीश के लिए जाएगी। इस एहतजाज के दौरान कहा गया कि जो सरकारी गाड़ियां थी और जो सरकारी रिकॉर्ड था उसका उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जो केपीके से भी गाड़ियां इस्तेमाल हुई इस हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया। साथ साथ जराये का ये भी कहना है कि आमिर मुगल जिनके ऊपर वो कत्ल का मुकदमा भी है कांस्टेबल के, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाइम।